दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस एक्चुअली में होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक्चुअली क्यों पड़ी। दोस्तों, हमें ये समझना है कि एक तरीके से ये एक लिटरेचर डेटाबेस है। आइए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, आइए सीखते हैं। तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस, पहले समझते हैं बिब्लियोग्राफिक एक्चुअली में होता क्या है और डेटाबेसेस क्या होते हैं। डेटाबेसेस तो जैसे हम प्रीवियसली करते हुए आ रहे हैं कि भाई डेटाबेसेस क्या है, हमारे कलेक्शन है, रिकॉर्ड्स है, किसके, इस केस में किसके होंगे, बिब्लियोग्राफिक के। मतलब बिब्लियोग्राफिक मतलब आर्टिकल्स, जर्नल्स, जर्नल्स, साइटेशंस, रिसर्च पेपर्स, तो ये सारी चीजें दोस्तों अगर किसी डेटाबेस में इंक्लूड कर दी जाती है तो वो डेटाबेस बोला जाता है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस। तो एक्चुअली बिब्लियोग्राफिक में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। आइए इसे समझते हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझेंगे एक एक चीजों को। तो हमें ये समझना है कि भाई ये क्या है, एक साइंटिफिक लिटरेचर डेटाबेस है, तो दोस्तों ये क्या है, एक साइंटिफिक लिटरेचर डेटाबेस। इसके अंदर लिटरेचर से रिलेटेड सारा सामान आपको मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल जर्नल्स पेपर, रिसर्च पेपर्स, साइटेशंस, जो डेली पीरियडिकली अपडेटेड पेपर्स होते हैं, सब कुछ मिल जाएंगे। अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगे। जनरली हम इंग्लिश में सर्च करते हैं तो इंग्लिश के ही सबसे ज़्यादा पेपर्स इसमें हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, पबमेड एक्चुअली में है क्या, तो पबमेड के बारे में बात करते हैं। तो साइंटिफिक लिटरेचर डेटाबेस के अलावा इसमें और क्या क्या है भाई, रिसर्च पेपर्स, एंड आर्टिकल्स फ्रॉम वेरियस जर्नल्स, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया इसका हमारा, रिसर्च पेपर्स एंड आर्टिकल्स फ्रॉम वेरियस जर्नल्स। अब इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों इसका पहला तो पबमेड, और दूसरा हो जाएगा मेडलाइन। दोस्तों हमें इस तरीके से समझना है कि भाई इन दोनों डेटाबेस को मेंटेन कौन करता है, इसको इन दोनों को मेंटेन करता है भाई, मेंटेन बाय NNM, गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी है, जिसको बोला जाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। यूएस की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इनको मेंटेन करती है, पबमेड और मेडलाइन, ठीक है। तो भाई एक एक करके समझते हैं एक्चुअली में इनमें है क्या, पबमेड में क्या है, मेडलाइन में क्या है, ठीक है। तो एक एक करके अपन समझते हैं, ठीक है। तो भाई हमें ये समझना है पहले तो ये दोनों जो डेटाबेस हैं एक्चुअल में, हमारे एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं, ये एक्चुअली तो कहां पे प्रेजेंट है, अवेलेबल एट NCBI, ठीक है। मतलब NCBI की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो ये हो गई NCBI पे।
अभी डेटाबेसेस दोनों अवेलेबल तो है एनसीबीआई पे, और दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि भाई ये लिंक किससे है दोनों चीज। एनसीबीआई का एक सेल्फ डेवलप डेटाबेस सर्च इंजन है जिसको नाम दे रखा है एंट्रेज। एंट्रेज डेटाबेस सर्च सिस्टम से ये दोनों डेटाबेस क्या है दोस्तों, लिंक है पबमेड और हमारा मेडलाइन, जो कि सबसे पॉपुलर आर्टिकल साइटेशन से रिलेटेड है डेटाबेसेस। तो भाई लिंक्ड विथ एंट्रेंस विच इज बायोलॉजिकल सर्च इंजन, अवेलेबल एट एनसीबीआई। एनसीबीआई की दोस्तों आपको फुल फॉर्म बताई दी थी, ठीक है। अब भाई अब तो भाई बात करते हैं सबसे पहले पबमेड के बारे में। लिटरेचर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, तो भाई पबमेड के अंदर क्या है दोस्तों हमारे, इट कंटेन्स लिटरेचर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। अलग अलग सब्जेक्ट के इस पे क्या मिल जाएंगे दोस्तों आपके, आपको लिटरेचर के मटेरियल मिल जाएंगे, सर्च पेपर मिल जाएंगे, साइटेशन, एब्स्ट्रैक्ट्स, ये सब चीजें जनरली मिल जाएंगी आपको किसमें, पबमेड में, ठीक है। सेकंड चीज, पबमेड इज मेंटेन्ड बाय NLM, अभी मैंने बताया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि इसको मेंटेन करके रखते हैं, किसको भाई, पबमेड को, ठीक है। और इसमें भाई क्या है, 12.8 मिलियन एब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 4400 बायोकेमिकल एंड बायोमेडिकल जर्नल्स। जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों 12.8 मिलियन एब्स्ट्रैक्ट है इसमें सबमिटेड है, ठीक है, एज पर इंफॉर्मेशन 2014 के अनुसार 4400 बायोमेडिकल और बायोकेमिकल जर्नल्स हैं, ठीक है, अलग अलग क्या है इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है। तीसरी चीज, अवेलेबल एट एनसीबीआई, ठीक है, एनसीबीआई मतलब नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों अगली चीज भाई, पबमेड इंटीग्रेटेड हो चुका है, मतलब एंट्रेंस टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन है जो कि एनसीबीआई का एंट्रेंस, उसके साथ क्या हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है, मिल चुका है, तो इंटीग्रेटेड विथ एंट्रेंस टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन। ठीक है, तो दोस्तों ये थी थोड़ी इंफॉर्मेशन पबमेड के बारे में। अब हम बात करते हैं मेडलाइन के बारे में, ठीक है।
दोस्तों बात करते हैं मेडलाइन के बारे में, जो कि एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, डिटेल में भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे एक एक पर्टिकुलर डेटाबेस की। क्लियर, आइए सीखते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या है हमारा, ये मेडलाइन है, इट इज अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। ग्राफिक डेटाबेस, तो भाई बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है हमारा, जैसे कि उसी का पार्ट है, हम देखते हुए आ रहे हैं। और भाई दूसरी चीज, मेंटेन्ड बाय NLM, बताया था ना अभी, मेंटेन्ड बाय NLM, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। अब भाई मेडलाइन क्या करता है, कुछ फील्ड्स कवर करता है, जैसे कि कवर द फील्ड्स लाइक कवर्स द फील्ड्स लाइक, ठीक है, मेडिसिन, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, वेटरिनरी साइंस या वेटरिनरी मेडिसिन, ठीक है। तो कुछ ये फील्ड्स कवर भी करता है मेडलाइन, जनरली मेडिकल से रिलेटेड इसके अंदर पेपर्स हैं, साइटेशंस हैं, ठीक है। अगली चीज है भाई इसके अंदर, contains citations and abstracts, from more than 4800 biomedical journals। तो भाई साइटेशंस और क्या है इसमें स्टोर्ड, ऑलरेडी साइटेशंस और एब्स्ट्रैक्ट स्टोर्ड है 4800 बायोमेडिकल जर्नल्स से, ठीक है। और भी बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी, तो ये क्या है भाई, लिंक्ड विद एंट्रेंस डेटाबेस, एंट्रेंस टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन, ठीक है, और अवेलेबल एट NCBI, तो भाई जैसे हम बात करते हो आ रहे हैं NCBI पे, तो अवेलेबल है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो ये थी थोड़ी जानकारी मेडलाइन के बारे में। इस तरीके से दो डेटाबेस हैं, मेडलाइन और पबमेड, जो कि हमारे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये भी एक छोटे छोटे डेटाबेसेस हैं, इनकी कहानी ये है, पहले इनको एक पर्टिकुलरली सेपरेट बनाया गया था, उसके बाद इनको क्या करा, एक लिंक कर दिया, इंटरलिंक कर दिया एंट्रेंस टेक्स्ट बेस्ड सर्च इंजन के साथ। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, अगर कोई क्वेरी है क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।